प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की पहली इकाई सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति है काय साधना। सिद्धों ने महासुख काय नामक नई कल्पना की, जिसमें काया में विभिन्न सुखों की स्थिति मानी गई, जैसे महासुख काय मस्तिष्क में, धर्म काय हृदय में, संभोग काय कंठ में और निर्वाण काय नाभि में माना गया। दूसरी प्रवृत्ति है चित्त का महत्व। सिद्धों ने चित्त को महत्व प्रदान करते हुए कहा कि चित्त को जानना ही संसार को जानना है। चित्त के दो रूप है, बद्ध चित्त और मुक्त चित्त। साधक का लक्ष्य चित्त को मुक्त करना है। यह मुक्ति चित्त हनन और चित्त विशोधन से होती है। तीसरी विशेषता है निर्वाण। सिद्धों ने निर्वाण की कल्पना शून्यवाद में की है। जो चित्त स्थिति निर्विकल्प है, निर्विकार है, वही निर्वाण है। चौथी प्रवृत्ति है युग्मनद भावना। सिद्ध साहित्य में प्रज्ञा और उपाय का युग्मनद स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। इसके कई रूप हैं, भगवान वज्रधर और भगवती नेरात्मा का योग, कुलिश और कमलमणि का योग, शुक्र और वज्र का योग, चंद्र और सूर्य का योग। इसे हे वज्र साधना भी कहते हैं। हे का अर्थ है महाकरुणा और वज्र का अर्थ है प्रज्ञा। महाकरुणा एवं प्रज्ञा से समन्वित परम तत्व को नपुंसक या युग्मनद कहते हैं, जिसकी बार बार चर्चा हुई है। पांचवी प्रवृत्ति है प्रवृत्ति मार्ग। सिद्धों ने प्रवृत्ति मार्ग का अवलंबन ग्रहण किया। उनके अनुसार स्वस्थ उपभोग के द्वारा ही जीवन को सामान्य बनाया जा सकता है। जिस प्रकार विष का विधान पूर्वक उपभोग करने वाला विष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार भव या संसार का विधान पूर्वक उपभोग करने वाला वापस संसार में नहीं आता। छठी प्रवृत्ति है गुरु का महत्व। सिद्ध साहित्य में गुरु का महत्व अक्षुण है। गुरु जगत प्रवाह में बहते हुए साधक को निबद्ध कर लेता है। गुरु की प्रसन्नता से शिष्य को ज्ञान सहज ही मिल जाता है। उसके वचन साधना को निर्देशित करते हैं। गुरु के लिए श्री गुरुनाथ और वर गुरुपाद आदि शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। सातवीं प्रवृत्ति है सामाजिक विद्रोह। सिद्धों में सामाजिक कुरीतियों रूढ़ियों के खंडन की प्रवृत्ति मिलती है। कुप्रथाओं का खंडन सिद्धों ने व्यंग्य के माध्यम से किया है। सिद्ध सरहपाद ने मिट्टी पानी और कुश को लेकर संकल्प करने वाले, अग्निहोत्री यज्ञ करने वाले, होम के कड़वे धुएं से आंख को नष्ट करने वाले, दिया जलाने वाले, घंटा बजाने वाले, मूंड बुंडाने वाले, केश उखाड़ने वाले पाखंडियों पर व्यंग्य प्रहार किया है। तंत्र मंत्र का विरोध करते हुए वे लिखते हैं मंत्रण तंत्रण धौण धारण। उनका मानना है कि सभी तीर्थ देह में ही विद्यमान है। देहा सरसिय तीर्थ। आठवीं प्रवृत्ति है अभिव्यंजना। सिद्धों की अभिव्यंजना पद्धति जीवन के बहुत निकट है। विरूपा ने अपनी चर्या गीतियों में मध्य के निकलने एवं उसके विक्रय का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। शांतिपा ने दुनिया द्वारा रुई धुनने का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। तुला धुनि धुनि सुने आहार्यु। नौवीं प्रवृत्ति है उलट बांसियाँ। सिद्धों ने उलट बांसियों की तरह संध्या भाषा में अपने रचनाएं लिखी। कुक्कुरिपा ने विभिन्न उदाहरणों, रूपकों तथा विरोध गर्भित अचुंबद कथनों के द्वारा साधना मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है। जैसे कच्छिपी अपने पृष्ठ भाग से दुही जाती है, मगर के द्वारा वृक्ष की इमली खाई जाती है। सिद्धों के प्रतीक। दसवीं प्रवृत्ति है सिद्धों के प्रतीक। सिद्धों ने सूर्य, चंद्र, गंगा, यमुना आदि साधना परक प्रतीकों का प्रयोग किया और नायक नायिका परक प्रतीकों का भी। जैसे साधक के लिए सबर, योगी, वीर, कमाली, बंगाली प्रतीक लिए। नायिका के लिए उन्होंने डोंबी, चांडाली, सबरी, मातंगी, कमलिनी आदि प्रतीक लिए।
ग्यारहवीं प्रवृत्ति है अलंकार। सिद्धों ने प्रधानतः विरोध मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे बैल ने प्रसव किया है पर गाय बांझ है, बछड़ा तीनों समय दुहा जाता है। जो बुद्धिमान है वही निर्बुद्धि है, जो चोर है वही स्वामी है। सिद्धों की भाषा संधा भाषा कहलाती है। संधा भाषा एक गूढ़ार्थ निरूपक भाषा है, जो सिद्धों ने अपनी साधना पद्धति को गुह्य बनाने के लिए प्रयुक्त की। इसमें लोक विरुद्ध अर्थ भी प्रकट होते हैं। सिद्धों के काव्य रूप तेरहवीं प्रवृत्ति, काव्य रूपों में उन्होंने चर्या पद और दोहों का प्रयोग किया है। चर्या गीत साधक आचार या उससे संबंधित गीतों को चर्या गीत कहते हैं। इन चर्या गीतियों में अरुण, गुंजरी, देवश्री, गौड़ा आदि राग रागिनियां प्रयुक्त हुई है। इन्हीं चर्या गीतों का पाठ जब सामूहिक आयोजनों पर होता था, जब गोपन या योग्य अनुष्ठानों पर इनका पाठ होता था, तो इन्हें वज्रगीति कहा जाता था। इस प्रकार से सिद्ध साहित्य में हिंदी साहित्य का बीज रूप मिलता है। इन्हीं काव्य प्रवृत्तियों का विकास आगे संत काव्य में हुआ, नाथ साहित्य में हुआ और पूरे भक्ति साहित्य में इन्हीं काव्य रूपों का विकास हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।